देखो जी, ये अकेली बकरी है, इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रही है। हैं, ये लीडर है, वो लीडर। देखो जी, यहाँ लिखा है श्री हनुमान जी जन्म स्थल अंजनी पर्वत किष्किंधा। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं, बट ये लग रहा है यार कसम से, है ना। अच्छे सोच रावण दोस्तों, मैं उसमें तो, और आप देख रहे हैं योग्रो ब्लॉग्स को दोस्तों। जैसा कि कल आपने के लिए वो लोग में देखा था कि हम पहुंच गए थे बोस पिट्टे या बोस पीती जंक्शन, वहां पहुंच गए थे हम। एंड अभी हम जस्ट निकले गए, रात को हम स्टेशन पर ही सो गए थे। तो स्टेशन पर सो के बड़ी प्यारी नींद आई, जैकेट वगैरह पहने के कम्बल थोड़ी वो चद्दर उड़ के, तो अच्छा लगा। रात की नींद कैसी गई? मज़ेदार, ये तो ज़्यादा ही बोलिए, बैठे पे सोए थे। तो बेड जैसा स्वाद तो भाई अपनों के साथ उधर घर वालों के साथ ही आता है ना भाई। तो अभी चाय पी रहे थे सुबह सुबह, तो सोचा कि नींद वगैरह उड़ा लेते हैं, फिर चलते हैं ना, बस में जा रहे हैं यार। एंड निकलते हैं फटाफट यहाँ से हम्पी के लिए, क्योंकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता है हम्पी, तो उसके अकॉर्डिंग बस वगैरह जाती रहती है, लोकल्स वगैरह, तो बस पकड़ेंगे हम। अभी चाय पीते हैं, चुस्की वगैरह, फिर करते हैं बात आपसे आगे। दोस्तों इस रोड से चलते हुए आ रहे थे, थोड़ी भूख लगी, तभी थॉट कि यहाँ पर आया जाए एंड कुछ साउथ इंडियन ट्राई किया जाए। इफ़ यू आर मूविंग इन साउथ, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन साउथ, तो साउथ खाना बनता है ना, तो यहाँ पर आए थे भाई। यहाँ पे कन्नड़ मोस्ट फेमस एक्टर हैं, वो जानते होंगे आप। तो यहाँ पे जो नीचे नहीं है गोलगप्पे से, तो ये देख के हम रुक गए, सोचा कि चल ये खाते हैं, फिर पता लगा इसको बोलते हैं आपे। खाया बहुत है। देखो अखीर की तो प्लेट आ गई है, 30 रुपये प्लेट है, 6 पीसेस जाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो जाएगा हेल्दी, हेल्दी है ना, बेस्ट खाते हैं। दोस्तों वहां से अप्पे खा के इत्थे आ गए, अप्पे हैं अप्पे, अप्पे पहुंच गए अप्पे, उठे अप्पे खा के असि इत्थे अप ही पहुंच गए। देखा पंजाबी साउथ में मेंटेन हो रही है, वहाँ चंडीगढ़ घंटा मेंटेन नहीं होगी कभी। एनी वे गाइज, तो यहाँ पे पहुँचे बस स्टैंड में, ठीक है, 12 नंबर है, कैसे करें कंफर्म करा लिए कि 12 नंबर ये वाला है। तो यहाँ पे हम्पी जाएंगे अभी, हम्पी 12 किलोमीटर से बताया मैं स्टार्टिंग में आपको, तो यहाँ से बस जाएगी, तो बैठ के जाएंगे यहाँ से, ऑब्वियसली खड़े थोड़ी जाएंगे, बैठ के जाएंगे। लेट्स वेट फॉर द बस नाउ, दिखाते फिर आपको बस में, ठीक है। तो भाई दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम्पी में, एंड बस का ट्रैवल करके आए हैं। बाइक के पास 10 रुपये खुल लेने के बाद लास्ट में जाते रहे, मैं खेलने भाई छोड़ा नहीं, ले लिए है। एनीवे तो भी निकलते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे हम्पी में एंटर किया ना हमने, तो काफ़ी सारे स्टोन एंड ऑल दिखे हैं ना, थैंक यू काफ़ी सारे। आप वो दिखाते थे करके दिखाते हैं, एंड स्टोरी हुआ तो बता दूंगा, अदरवाइज हम अभी जस्ट देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। तो ये देखो ये मंदिर दिख रहा होगा सामने, एंड ये सारे काफ़ी सारे पत्थर वगैरह मिलेंगे आपको, पुराने टाइम के पत्थर हैं सबके सब ये। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है हम्पी, पूरा इकलौता। अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो 2 दिन या 3 दिन भी कम पड़ जाए, हफ्ता भी कम पड़ जाए, क्योंकि है ही इतने प्लेसेस, बट हम है ना मेजर ऑफ द मेजर एंड फटाफट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने 30 दिन निकाल दे फिर तो हमारा पूरा टाइम खोटी हो जाना। बाकी ये देख लो भाई व्यू, लेट्स एंटर दिस इन दिस टेम्पल। भाई अभी हम एंटर हुए एक मंदिर में, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर है यार, हाँ दिखा भी, इंग्लिश में लिखा नहीं ना, कन्नड़ में लिखा है। अरे वानर भाई चलो चलते हैं अंदर। भाई यहाँ से मंदिर में आते हुए पता काफ़ी बड़ा मंदिर हो गया अंदर से, फिर हमको यहाँ पे मैंने बड़ा फोन ऑन किया कि हाँ मुझे गजराज दिखे, गजराज देखिए ये ले जा रहे नाचे जा रहे ना, या मुझे पता क्या लग रहा है, जो वो नहीं है जो पीछे वहाँ पे आरती चल रही है ना, इसकी वजह से नाच रहा लग रहा है। सर तुम्हारे नेट पर कि डांसिंग एनी फ्रेंड एलिफेंट इन हम्पी, देखे तो चलते हैं फटाफट आगे, एंड देखते हैं फटाफट एक्सप्लोर करते हैं फटाफट हम्पी को।
छोटा सा बंदर। चलो भाई यहाँ पे देखो बानर, इधर भी बानर बानर। बजरंगी की नगरी है, क्यों नहीं होंगे। देख वो तो बंदर मुंह देखिए पूरा लाल है, देखियो हैं। गुलाब गंजी माधवा गुंजा शिवा केशवा मंदिर है दोस्तों। अभी हमने यहाँ के मेन डेटी माता दुर्गा है उनके दर्शन किए हैं, एंड दिखा नहीं पाया क्योंकि फोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे। अभी नीचे जा रहे हैं, देखते हैं नीचे कुछ मंदिर है शायद यहाँ पे, एक पुराना काफ़ी देखा जाए यहाँ पे गुफा वगैरह अंदर मंदिर है। जहाँ नंदी वहाँ महादेव, हर हर महादेव, केशव माधवा महादेव और ये मंदिर है। चलो चलते हैं फटाफट, एंड बाकी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पहले गजराज जी मिले, फिर महादेव जी मिले, फिर माँ दुर्गा मिली, हर किसी दर्शन हो गए। देखो भाई ये याद है, ये आए याद कुछ बचपन में, मुझे अब तो उंगलियाँ बड़ी हो गई अंदर घुस ही नहीं रहा। देखो नॉस्टैल्जिया। तो दोस्तों भी हमने डिसाइड किया है कि फटाफट ना, क्योंकि यहाँ पे आसपास अब मैक्सिमम वही है, मतलब पुरानी जो आर्किटेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हमने जो देखा था ना, इसको बोलते हैं विरूपक्ष टेम्पल, एंड अभी जाएंगे विठला टेम्पल, जो अपने 50 रुपये नोट में देखा है ना अपने, वो स्टोन कार या स्टोन का रथ बना हुआ, अभी वो जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है ये कुकुर, तो देखते हैं फिर वहाँ से फिर किश्तियाँ जाती है आंजनेय, जहाँ पे है ना वो एक तो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जब अकेले दिखाया था, अंजनेरी हिल जो है वहाँ पे हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, एक यहाँ पे भी कहते हैं, बट है ना महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये इसमें ना कन्फ्यूजन रहती है दोनों ना, मतलब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कि हमारा जो प्लेस है वो है हनुमान जी का बर्थ प्लेस एनीवे। बट कहते हैं कि सबसे जो ना साक्षात नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हिंट्स मिले ना यहीं मिले हैं कर्नाटक में। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर है कोई इधर से, एंड फिर देखते हैं विट्ठल टेम्पल, विट्ठला टेम्पल, राम गोड़ी मंदिर पता नहीं क्या है। हाँ वहाँ पर वही जम्बाली को मारा था, जम्बाली को मार के फिर वो भी देखेंगे। ये थोड़ा जब स्टोरी पता था तो देखने मजा भी आता है। हम पे विलेज ही है ना, जो विजयनगर अंपायर का है पता है, विजयनगर अंपायर एक टाइम पे वो था, मैं जब ना सीडीएस प्रिपरेशन करता था ना उस टाइम मैंने पढ़ा था विजयनगर, पता था अकेला एम्पायर था जिसने साउथ में इतना बड़ा बंदे ने एक्सपेंड किया था। बट फिर क्या ना वो जो नहीं सुल्तान्स वगैरह आगे बाद में मुगल अंपायर, फिर उन्होंने फिर ना पता ही फिर तो दबा दिया सबको। चलो कोई ना, एंड फटा चलते हैं यहाँ से विट्ठला टेम्पल, फिर वहाँ से आंजनेय चलेंगे, वहाँ पर आस पास हनुमान जी का मंदिर भी है, सॉरी राम जी का मंदिर भी है जहाँ पर बाली को मारा था। चलिए देखते हैं फटाफट। देखो जी अभी जा रहे हैं हम यंत्रोधार का हनुमान टेम्पल, देखते हैं अंदर जाए स्टोरी पता लगे एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, क्योंकि हर एक टेम्पल की कुछ ना कुछ स्टोरी है। लेट्स होप हमको पता लग जाए, तो हनुमान जी के बारे में राम जी के बारे में जानने इतना मज़ा आता है ना, कुछ कुछ स्टोरी पता चलने मज़ा आता है ना इतना। लेट्स चेक, यहाँ लगा तो है एक बोर्ड सा पता नहीं क्या, देखते हैं। भाई पत्थर देखो यार, ये पत्थर कसम से दिख रहे हैं, वो बड़े 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 पत्थर, दो आदमी मिलके भी हाइट कवर ना कर पाए इतने बड़े पत्थर है। ये देखें लग रहा है ना कि हाँ हनुमान जी के टाइम के हैं कसम से, है भाई ये पत्थर देख के लग रहे हैं हनुमान जी के टाइम के पत्थर है। चक्र तीर्था ये देखिए, किस्ती में बैठेंगे इसे मजा आएंगे हैं। जो नहीं बीच में कटोरी सी है, कटोरी में बैठ के जाएंगे आज आंजनेय, मज़ा आएगा। जो भी आपने देखा है ये सूर्य नारायण मंदिर, बड़ी सुंदर मूर्ति थी कसम से पूरे चक्र के अंदर। अब चलते हैं हनुमान टेम्पल है ऊपर, बाबा से पूछा था हमने, हनुमान मंदिर कह रहे थे। लेट्स सी
जय बजरंगी। भाई हनुमान जी के दर्शन हो गए एंड वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, ठीक है जी, आप भी करिए। बाकी अगेन व्यू देखिए यार, कसम से पत्थर पत्थर दिखा रहा हूँ बार बार मैं आपको। नहीं आपको चलो श्री राम जी की मूर्ति, लक्ष्मण जी की एंड सीता मैया की दिखाता हूँ मूर्ति आपको, वही बड़ी प्योरी है, पूरी प्योर ब्लैक कलर के अंदर। पूरा ढंग से दिखा नहीं पाया क्योंकि आगे पुलिस वाले खड़े थे, तो मे भी वो कुछ करवा रहे, अपना कुछ करवाते रहते हैं ना, अपनी लैंग्वेज वगैरह मुझे समझ में तो आया नहीं कुछ। एनीवे तो वो दिख रहा है, वो पहाड़ दिख रहा है, वो वाला वो आंजनेय कह दिया कि वो है हनुमान जी की जन्मस्थली, कोई ना वहाँ पर चलते हैं। यहाँ से किस्ती जाती है, किस्ती में देखते हैं कैसे क्या जाना है, क्या कुछ प्राइस रहेगा तभी जाएंगे, अदरवाइज कॉस्टली पड़ा तो देखेंगे यार। दोस्तों एक मस्त बात पता लगी है, ये है ऋषिमुख पर्वत जो दिख रहा है वाला, ये पीछे वाला, ये ऋषिमुख पर्वत है। ये वो पर्वत था जहाँ पे बाली को श्राप दिया गया था कि मतलब इस पर्वत पे आ सकता है, यहाँ पे कभी बाली नहीं आ सकता यहाँ पर। और इसमें कहते हैं कि यहाँ पे ना शाम को रहना मतलब ओम की गूंज निकलती है यहाँ से 3:30 बजे समथिंग बाबा कह रहे थे यहाँ पर। तो यार कसम से यहाँ पे यहाँ मज़ा आ रहा है लिटरली घूम के। वहाँ पर उस साइड सुग्रीव गुफा है, वहाँ चलते हैं एंड यहाँ पर सुग्रीव जी को दर्शन दिए श्री रामचंद्र जी ने। चातुर्मास के बाद में कुछ बोल रहे थे बाबा महाराज जी कि चातुर्मास के बाद में श्री राम जी जब अयोध्या जा रहे थे तो यहाँ पर सुग्रीव को दर्शन देके गए थे। यहाँ पर जो मैं दिखाया ना मूर्ति, वो तो गेंद द्वारा डाल दूंगा, एक रोती पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मूर्ति है श्री राम जी की, सुंदर पूरी ब्लैक कलर में। एंड अगेन ये ऋषिमुख पर्वत है, ये तुंगभद्रा रिवर है। अब चलते हैं उस तरफ, वहाँ पर यहाँ से 1 किलोमीटर है एंड दिखाते हैं आपको, कम ऑन। दोस्तों वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ गुफा में रहे थे। बहुत रामायण पड़ी होगी आपने, आप सामने देख लो, कसम से लिटरली आप ना घूस बम्स आ जाएंगे। देखो सुग्रीवा केव, बिलीव टू बी किष्किंधा, देख रहे हैं हम्पी पब्लिक बिलीव टू है मेंशन द रामायण किंगडम ऑफ किष्किंधा, जो उस टाइम का जो किष्किंधा था ना त्रेता युग का, आज के कलयुग के टाइम वो हम्पी है। चलो चलते हैं फटाफट, अभी दिखाते हैं आपको, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। हाँ ये वही यहाँ बढ़ते हैं, वो दिख रहे हैं ऊपर निशान, दिख रहे निशान पैरों के वो वाले, देख उस तरफ यहाँ बैठते थे, देख ले भाई। जय श्री राम, जय राम राम राम, जय श्री राम। कसम से यार यहाँ पे देखो यार गुफा उस टाइम की। दोस्तों जो ये सुग्रीव गुफा है ना, ये देख रही है भाई, यहाँ पर आओ हम्पी में, कसम हम्पी बहुत बढ़िया जगह है। पता है इस सुग्रीव गुफा आपको पता होगा, आपको तो बताने जरूरत ही नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे श्री राम जी को माता सीता के गहने जो थे ना, एक वस्त्र लपेट के, जब माता सीता का हरण हुआ था तो माता सीता ने अपने पल्लू से फाड़ के कुछ गहने पल्लू के अंदर लपेट के नीचे फेंक दिए थे, तो माता सीता को जो गहने हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। श्री राम जी इस गुफा के अंदर आए थे यहाँ पे, और वो अंदर देखा होगा आपने जो चरण है, मेरे हिसाब से लगता है श्री राम जी के ही हैं वो। एंड वहाँ पर उन्हें मतलब माता सीता की मतलब जो माता सीता के जो थे ना, क्या बोल रहा हूँ कसम से, वो फंबल हो रहा हूँ पता नहीं, तो माता सीता के जो जेवरात थे ना, जो ज्वेलरी थी मतलब गहने थे माता के, वो मिले थे यहाँ पे। देन यहाँ से फिर उनको पता लगा था कि रावण लेके गया, देन बाद में आपको पता ही है रावण का क्या हाल हुआ था। लगे फाइनली पहुँच चुके हैं अंदर विठला टेम्पल, एंड ये हमारा फिर लास्ट रहेगा यहाँ का, फिर हम जाएंगे हनुमान जी की जन्मस्थली जहाँ हनुमान जन्म हुआ था। कर्नाटक में भी दिखाते हैं, महाराष्ट्र में दिखाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, बट कोई ना देखने में देखेंगे हम तो मज़ा आता है। देखते हैं ऐसे है ना माइथोलॉजी देखने में मज़ा आता है, और क्योंकि स्टोरी सुनी हुई हमने, और यहाँ पे वही स्टोरी चल रही है, सुग्रीव वाला बताया आपको मैंने एंड राम जी वाला, यहाँ पे अयोध्या लौटते टाइम जब सुग्रीव जी को मतलब आशीर्वाद दिया था, दर्शन दिए थे, कितना सही लगता है ना। और भाई ये देखो अंदर
मिट्टला टेम्पल देखते हैं। एंड वो जो नहीं है जो 50 रुपये के नोट पे नहीं पीछे दिखाओ कहाँ पे, वो मुझे लगा पता नहीं कितना बड़ा होगा, ये छोटा सा है, ये रहा ये है, ये देखो जी ये रहा, ठीक है 50 रुपये के नए नोट वाले पर और ये रियलिटी में देखा देखा नोट से हम यहाँ पहुँच गए। देखा जो जो देखा है किताबों में, पढ़ा है, सुना है मैथोलॉजी के बारे में, हम आंखों से देखी देख रहे हैं। ये देखो भाई ये शायद ऐसे नहीं लग रहा है, ये इस तरह से है, अगर मैं इसको शायद वो लेफ्ट साइड में हो गया, ऊपरली तरफ है, दूसरी साइड में हुआ है। कम ऑन ये बोला दिख रहा है ये और ये इस तरह से बिल्कुल सेट बैठा है शायद ना लेफ्ट से, इसके राइट साइड से ना मतलब सही फोटो लिया है। देखो भाई 50 रुपये का नोट का, एक मिनट का मैंने इसमें कवर कर दिया 50 रुपये नोट को दिखाने के लिए देखिए इस तरह से है। बाकी विठला टेम्पल ये ख़त्म है बस दोस्तों काफ़ी देर हमने टूर को फॉलो, सॉरी जो टूर गाइड नहीं होते हम यहाँ बैठे हुए थे, सबसे उन्होंने कुछ एक चीज़ इनोवेट की नहीं यहाँ पे एक हाथी भी दिखा तुझे, ये बंदर बंदर कहीं होगा यहाँ पर, उसको तो ना देख इसको ऐसे कर देगा ना तो हाथी बन जाएगा, ऐसे करे तो मेंढक बन जाएगा। बस बंदे ने बोला था अभी ढूंढना वो है, ढूंढना नहीं है इतना पहले थोड़ी है। देख दोस्तों देखो देखो अगर ऐसे देखोगे ना आप, ये छोटा बंदर ये बड़ा बंदर ठीक है, फिर अगर इसको इसको हटा देंगे ऐसे रखेंगे तो ये मेंढक है ठीक है भाई, इसको ऐसे रखेंगे ठीक है, ऐसे पे ऐसे लाइन लगाएंगे तो लगेगा ये सांप। देखा टूर गाइड की ज़रूरत ही नहीं है हमको, ऐसे डिस्कवर कर लेते हैं चीज़ें, जो भी आते बस यार चार हाथ यार रखो दो यार रखो बस। हाँ हाँ चलते हैं, धूप कड़क होगी कसम से, गर्मी होगी भैंसियाँ वहाँ ऊपर तो आपके साइड में, वहाँ पर नॉर्थ साइड में होगी ठंड, यहाँ सोचो भैंसियाँ काले हो गए, टैनिंग होगी गंदी वाली, दिख रहे साले टैनिंग दिख रहे टैनिंग तू, साले गोरे चिट्टे निकले थे काले हो गए। जिसमें ज़्यादा टेस्टी बनता वो बना दे सो वाट, बस ठंडा होना चाहिए, चिल्ड दांत कम कबाने चाहिए इतना ठंडा, पैसे जितना डाल दे भाई। यहाँ पर जब आए थे यहाँ पे इसने जो काटा ने छोड़ दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पर आए हम भाई के पास, भाई ने कह रहे श्रद्धा अनुसार दे दो, लोग मंदिरों में पूछते हैं श्रद्धा अनुसार दे दो, भाई कह रहे हैं श्रद्धा अनुसार दे दे यहाँ से जाने का भी एक ही रास्ता है वो बोट, अगर हम ना जो पानी बीच में उसमें ऐसे नहा के चले जाए डूब जाओगे ज़्यादा, कह रहा है कितना लेंगे बोट वाले, 20 रुपये लेंगे बस, दूसरी बोट गोल वाली है दूसरी नहीं दूसरी, ओ आपका बाइक भी चले जाएगा उसमें। अच्छा जी फास्ट पीना नॉन स्टॉप ड्रिंक है ये, तो टेस्ट आता है इसका, फास्ट पियो फास्ट पी फास्ट पी साले फास्ट पियो सर, थोड़ा थोड़ा डाल मिठाई ना मजा नहीं आता यार, ठीक है अब आया ना चंडी डोला स्टाइल है भाया छोटा, चलो भाई भाई क्या नाम है, कलंदर दादा कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अजीदा पहला नंबर, कोई ना भाई, भाई ने बड़ा तगड़ा बनाया है, आप आओ तो भाई से पी लेना भाई, भाई आपको श्रद्धा अनुसार पिला देंगे हम तो ऐसे ना, हमारे हम पता क्या था दिमाग को गर्मी चढ़ गई थी जा रहे थे आ रहे थे तो भाई लोग अगर हनुमान जी की जन्मस्थली जाना है तो ये रिवर पार करनी पड़ेगी, तो सबसे ईजिएस्ट वे यही है, सबसे सस्ता यहाँ पर ही है, तो एडवेंचर करते आ जाओ, आपको एडवेंचर कराता हूँ मैं यहाँ पे जाएंगे आराम से, जब से
ये लैसे देखा तो सुन रहे पानी किसने चालू हो गया इसमें तो तो भाई आ जाओ हमको उस तरफ जाना है वो चलो ये बैठ गया ये बैठ जाओ फाइनली पहुंच गए उस वहां से इस तरफ देखा कोई चीज़ असंभव नहीं हमारे लिए हमको बस रास्ता तो कहाँ जाना है वहाँ निकल पड़ते हैं देखा ये थोड़ी बॉडी भी हमने ओवर स्पीक के थोड़ा डिहाइड्रेशन लग रहा है डिहाइड्रेशन से हो गई थी बट अब सब कुछ ठीक है बाकी अखिल वहाँ सो गया है मैं यहाँ सो गया हूँ वहाँ पे मस्त ठंडी जगह कसम से क्या नज़ारे आ रहे हैं तो दोस्तों फाइनली सो के उठ गए हैं हमने हमको सोए थे 2-3 बजे सोए थे ना उठे जाके क्या टाइम हो गया भाई 5:30 हो गया है ना तो 5:30 हो रहे मतलब 4-5 घंटे सो लिए थे तब जा रहे हैं यहाँ से अंजने कुछ खाया भी नहीं देखते कुछ खाने मिल जाए पहले फिर चलते हैं अभी चल थोड़ी सी हो गई कि हाँ नींद थी वो पूरी हो गई है थोड़ी नींद आ रही थी थोड़ा डिहाइड्रेशन सा लग रहा था अब नहीं रहा अब नॉर्मल है तो चलते हैं कुछ मिलता है खाने को फिर खाते हैं फिर चलते हैं ऊपर जय श्री राम। देखो जी ये अकेली बकरी है इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रही है हैं वो लीडर है वो लीडर सब देखा गैप तो भाई फाइनली बस मिल गई थी एंड पहुंच गए मंदिर वो ऊपर हाइट में है अब हनुमान जी जन्मस्थली जाएंगे काफ़ी टाइम से वेट करे जाएं फाइनली जाते हैं अरे अब चलते हैं कम ऑन दोस्तों चलिए ऊपर अब चढ़ाई है थोड़ी सी चढ़ाई करते हैं एंड मिलते हैं हनुमान जी के दर्शनों के साथ आपको जय श्री राम दोस्तों जय श्री राम करते ऊपर जा रहे हैं एंड ऊपर पहुँच के रहेंगे बोलो जय श्री राम देखो जी यहाँ लिखा है श्री हनुमान जी जन्मस्थल अंजनी पर्वत किष्किंधा सो अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं कुछ लोग मतलब महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्रियन पीपल बिलीव करते हैं कि भाई वहाँ पे जो अंजनी है वो है हनुमान जी की जन्मस्थली कुछ लोग ये बिलीव करते हैं बट ये लग रहा है यार कसम से है ना अखिल सोच रहा अखिल कहाँ रह गया अखिल पीछे रह गया भाई देखो ओ तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं ऊपर एंड ये हनुमान जी का मंदिर है हमारे पवन सुत हनुमान जी की मुहूर्त होगी अंदर एंड जय श्री राम तो भाई देखो यहाँ से व्यू देखो कसम से है ना अल्टीमेट अब अखिल आ रहा है अखिल नीचे है पीछे रह गया था वो तो आएगा फिर हम दोनों साथ में दर्शन करेंगे लेट्स वेट फॉर हिम नाउ तब तक मैं नज़ारे मजे लेता हूँ इधर के आप भी देख लीजिए भाई हाँ हनुमान जी के हमारे प्रिय हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं एंड लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है पॉजिटिव फील आ रही है तो अभी थोड़ा यहाँ बैठते हैं एंड फिर देखते हैं कब तक निकलना है सोच रही हैं ही स्टे कर लें यार बट ये तो डिपेंड करता है हनुमान जी पे यहाँ पे रहने देते नहीं देते बाकी आपके सामने मंदिर है बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी और ये कुछ भी हो आइए और आप भी ये प्रेजेंस फील करिए भाई जय श्री राम तो दोस्तों धीरे धीरे अब शाम ढल रही है रात हो रही है तो हमको निकलना पड़ेगा तो फिर अब निकलते हैं वापस हम सीढ़ियों से ही एंड पहुँचते हैं हमारे होस पेटे या फिर ये सोचेंगे यहीं टेंट लगा लें देखते हैं क्या होगा वो आपको अपडेट मिल ही जाएगा आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं लेट्स गो नीचे एंड कसम से कहूँ हनुमान जी बड़े प्यारे दर्शन हो गए जैसे नीचे चलते हैं फटाफट
नीचे जाके बात करते हैं आप। देखो भैया हो गया खाने का समय, हनुमान जी की कृपा से यहाँ पे एक दुकान मिलेगी, बाकी ऑलमोस्ट बंदी लग रही थी तो यहाँ पे चावल मिल गए, अच्छे से चावल खाते हैं एंड फिर सोने को ढूंढते हैं, फिर उसको ब्लॉग को मैं एंड कर दूँगा, एंड करने का समय आ गया है। जय श्री राम। सो दोस्तों टाइम हो गया बहुत ज़्यादा एंड अब करना पड़ेगा ब्लॉग को एंड, तो हमने लगाया अभी टेंट। देखो तो करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त, आई होगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, तब तक के लिए जय श्री राम।